हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान दीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296। मतलब कि दो नंबर्स का जो गुणनफल है या फिर प्रोडक्ट है वह है 1296। इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर। अब कह रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 16 गुना है, यानी कि 16 टाइम्स ग्रेटर है। देन फाइंड द नंबर्स, तो मतलब कि उन दोनों नंबर्स में रिलेशन दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी रिलेशन से हम उन दोनों नंबर्स को पहले सपोज कर लेंगे और जो यहाँ पे बोला है वो करके हम निकालेंगे नंबर्स को। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कैसे मानेंगे, देखिए ये बोला कि इफ वन नंबर, एक नंबर जो है दूसरे के 16 टाइम्स है, तो एक नंबर को मान लेंगे, लेट वन नंबर बी, लेट वन नंबर बी एक्स, ओके। देन द अदर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स एक्स, क्योंकि बोला है ना कि 16 टाइम्स है अदर के। तो एक को मान लिया हमने एक्स, दूसरा क्या हो जाएगा, 16 एक्स हो जाएगा। फाइंड द नंबर्स, तो हमें इन दोनों को फाइंड करना है। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो पहले सेंटेंस में बोला हुआ है यहाँ से हम कर लेंगे। क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वह 1296 आएगा। तो हम ये ले सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाई 16x, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा हमें 1296। तो ये हमारा बन गया एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x इंटू 16x करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 16x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1296। अब यहाँ 16 से डिवाइड करेंगे पहले और x स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, तो मिलेगा हमें 1296 डिवाइडेड बाई 16। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर हम करते हैं 8 से पहले, तो 8 टू जा 16 और यहाँ से करेंगे तो 8 वन जा 8 और 4 मिलेगा 49 हो जाएगा, और 8 सिक्स जा 48 और 1 बचा 16 हो गया, और 8 टू जा 16 मीन्स 162 मिल गया। 2 वन जा 2 फिर कटेगा यहाँ पे, तो 2 8 जा 16 एंड 2 वन जा 2 मीन्स मिल गया हमें 81, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 81। अब देखिए, अब जो मिला हुआ है यहाँ पर, अब करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। अब लिख देंगे यहां पर कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो मतलब कि यहां पर अब दोनों साइड में क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक तरफ नहीं लिया जाता क्योंकि दोनों तरफ लेंगे, इसलिए क्योंकि हमें यहां पर इक्विवेलेंस मतलब बनाए रखना है, जो इक्वालिटी है उसको बनाए रखना है। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये 81। तो यहाँ पर आपको पता है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स होगा इक्वल टू, यहाँ पे होगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको पहले यहाँ पर 81 को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा, देखिए 9 9 9 9 क्या होता है, 81 होता है। 9 को लिखेंगे 3 × 3 और दूसरा वाला जो 9 है उसको भी लिख लेंगे 3 × 3। अब यहाँ पर इसमें से पेयर बनाकर निकाल लेंगे, तो यहाँ से एक बना पेयर और ये बना पेयर, मीन्स 3 × 3 बन जाएगा, मतलब 3 × 3 = 9, मतलब x बराबर आ गया 9। तो लिख लेंगे कि हेंस वन नंबर इज 9 एंड अदर इज 16 × 9 मीन्स 144, मीन्स दिस नंबर इज योर आंसर एंड दिस नंबर इज ऑल्सो योर आंसर, मीन्स दिस टू आर योर आंसर्स। और आपको यदि वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है, तो क्या करना है, 9 और 144 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो यही मिलना चाहिए। तो हम ये चेक भी कर लेंगे, तो चेक कर लेते हैं, 144 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 से, 9 4 = 36 का 6 3 करी ओवर, और 9 4 = 36 36 एंड 3 9 3 करी ओवर, फिर से 9 9 एंड 9 3 12,
बिल्कुल देख रहे हैं आप कि ये प्रेड करने पर जो है मिला है 1296, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। तो होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।